बॉलीवुड का ऐसे कई सारी फिल्में हैं जो लोगों का दिल जीत लिया था और साथ में सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म का लिस्ट पर लिखा ही है अपने नाम। तो उसे देख लेते हैं कि कौन कौन सी फिल्म है इस लिस्ट पर, और वीडियो शुरू से तक जरूर देखिएगा और एक लाइक भी करिएगा। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 10, हम आपके है कौन। ये 1994 का रोमांटिक ड्रामा फिल्म रहा और बताए दोस्तों इसमें भाजन सलमान खान के साथ माधुरी दीक्षित को लीड रोल में नजर है और इसमें निशा प्रेम के बीच में प्यार कहानी को दिखाई है और ये फिल्म लगभग 1 ईयर तक थिएटर पर काफी सक्सेसफुली रन किया था और ये फिल्म रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। नंबर 9, मोहब्बत है। और ये 2000 का म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और जहाँ पर इसमें पहली बार के लिए एक तरफ शहनशाह अमिताभ जी, दूसरी तरफ बॉलीवुड का बादशाह शाहरुख खान को एक साथ नजर आई है और इसमें कुछ स्टूडेंट का कहानी को दिखाई है और जो फिल्म 1 ईयर तक थिएटर पर काफी सक्सेसफुली रन करके बॉक्स ऑफिस पर रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर 8, राजा हिंदुस्तानी। ये 1996 का रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और जहाँ पर मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, करिश्मा कपूर लीड रोल में नजर आई है और इसमें एक टैक्सी ड्राइवर राजा और एक आमिर लड़के आरती के बीच में प्यार कहानी को दिखाई है और ये फिल्म भी मोहब्बत फिल्म की तरह 1 ईयर तक थिएटर पर रन किया था और ये रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर 7, कहो ना प्यार है। और ये 2000 का रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है और इसमें ऋतिक रोशन, आमिषा पटेल लीड रोल में नजर आई है और इसमें एक टेंडर हार्टेड लव स्टोरी को दिखाई है और इस फिल्म के साथ ऋतिक को मिला था ओवरनाइट स्टारडम पावर और दूसरी तरफ पूरी वर्ल्ड को मिला है वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम एक्टर और ये फिल्म 1 ईयर तक थिएटर पर काफी सक्सेसफुली रन करके बॉक्स ऑफिस पर रहा ह्यूज ब्लॉकबस्टर। नंबर 6, मैंने प्यार किया। ये 1989 का म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म है और इसमें भाजन सलमान खान, भाग्यश्री लीड रोल में नजर है और बता दोस्तों इसी फिल्म के साथ भाईजान ने एज ए लीड एक्टर अपनी डिबार्ट किया था और इसमें प्रेम और सुमन दोनों के बीच में प्यार कहानी को दिखाई है और जो फिल्म 90s के बीच में वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक फिल्म था और ये फिल्म भी 1 ईयर तक थिएटर पर काफी सक्सेसफुली रन करके ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर 5, बरसात। ये 1949 का फिल्म है और इसमें कपूर और नरगिस लीड रोल में नजर है। लगभग 2 ईयर तक थिएटर पर काफी सक्सेसफुली रन किया था और ये फिल्म उस वक्त 1949 का वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी रहा और ये फिल्म रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर 4, मुगल-ए- आजम। ये 1960 का एपिक हिस्ट्रिकल ड्रामा फिल्म है और इसमें पृथ्वीराज कपूर, माधुबाला और दिलीप कुमार लीड रोल में नजर है और जो फिल्म थिएटर पर रन किया था लगभग 3 साल तक और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस का कई सारे रिकॉर्ड भी तोड़ा था जहाँ पर यह फिल्म लगभग 15 साल तक इंडिया का सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म था। नंबर 3, किस्मत। यह 1943 का ड्रामा फिल्म है और जहाँ पर अशोक कुमार, मुमताज शांति लीड रोल में नजर है और जो फिल्म 3.5 ईयर तक थिएटर पर काफी सक्सेसफुली रन किया था और ये इंडियन हिस्ट्री का फर्स्ट फिल्म है जहाँ पर कुछ बोल्ड थीम पर स्टोरी को दिखाई है और इसके अलावा भी ये फिल्म इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का फर्स्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म है। नंबर 2, शोले। और ये 1975 का एक्शन एडवेंचर फिल्म था और जहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि इस फिल्म को इंडियन का कल्ट क्लासिक और साथ में वन ऑफ द बेस्ट फिल्म माना जाता है और जो फिल्म उस वक्त कई सारे रिकॉर्ड तोड़ा था और इसमें धर्मेंद्र, संजीव कुमार, अमिताभ जी लीड रोल में नजर है और ये फिल्म थिएटर पर लगभग 5 साल तक सक्सेसफुली रन करके बॉक्स ऑफिस पर रहा इंडस्ट्री हिट। नंबर 1, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ दोस्तों, सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि पूरी इंडियन सिनेमा हिस्ट्री पर सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म है और ये 1995 का रोमांटिक फिल्म था जहाँ पर बादशाह शाहरुख खान और काजोल को लीड रोल में नजर है और जो फिल्म नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म है और बता दोस्तों ये फिल्म लगभग 25 साल तक थिएटर पर किया है रन और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी भी ये फिल्म थिएटर पर रन करी है। हाँ दोस्तों, और जहाँ पर यह फिल्म 1995 से शुरू करके अभी तक के हर दिन एक शो करके मराठी मंदिर पर स्क्रीन किया जाता है और ऐसा करके इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। तो दोस्तों, ये रहा बॉलीवुड के कुछ ऐसे फिल्मों के बारे में जो फिल्म थिएटर पर सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म रहा। तो दोस्तों, इस फिल्मों से आपका फेवरेट कौन सा है कमेंट करके बताइएगा और वीडियो पसंद है तो एक लाइक भी करिएगा और इसके बॉलीवुड साउथ इंडस्ट्री अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।